दोस्तों जब हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बल्क शीट के थ्रू करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, लाइमरोड, पेपरफ्राई, पेटीएम या फिर हमारी खुद की वेबसाइट होती है, तो वहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक कैसे क्रिएट करें। दोस्तों जनरली होता क्या है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस पे फोकस ना करके हमें लिस्टिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ जाता है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी थ्रू आपके पास चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो या 100 हो, उन सारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का ई कॉम ज्ञान। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो कर लीजिए, क्योंकि ई कॉमर्स से जुड़ी ऐसी जानकारी भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सामने लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट करने के लिए जब हम गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के टर्म में मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा चार ऐसे मेजर वेबसाइट्स के बारे में जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फोटो बकेट, इमेज व्यूअर, ड्रॉप बॉक्स और पोस्ट इमेज। तो यहाँ पे फोटो बकेट और इमेज व्यूअर को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हम इसके थ्रू अपने इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट करते हैं बल्क में तो होता क्या है, हमारे एक प्रोडक्ट का इमेज फर्स्ट इमेज स्टार्टिंग में दिखता है तो दूसरा बीच में दिखता है, तीसरा लास्ट में दिखता है, इस तरह से उसका सिक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। और जब सिक्वेंस गड़बड़ हो जाता है तो उसको ढूंढने में और उसको अलग करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो पोस्ट इमेज और ड्रॉप बॉक्स को करता हूँ। दोस्तों ड्रॉप बॉक्स के थ्रू इमेजेस का यूआरएल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं बल्क में वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे अकाउंट बनाना होता है और जैसे ही हम अपना अकाउंट बनाते हैं हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर पे एक ड्रॉप बॉक्स का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, तो वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पोस्ट इमेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट इमेज के थ्रू आप अपने सारे प्रोडक्ट चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो या 100 हो, उन सब के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों पोस्ट इमेज के थ्रू जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें दो बातों का खास ध्यान रखना होता है, जिसमें नंबर एक पे आता है हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी उन प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं उन सबको रीनेम करना आवश्यक होता है। और दूसरी बात, जैसा कि हम पोस्ट इमेज का फ्री वर्जन यूज करते हैं तो वहां पे एक बार में अगर एक प्रोडक्ट के चार इमेजेस हैं तो हम इजिली चाहे वो 10 प्रोडक्ट हो, 20 हो, 50 हो या 100 हो, उन सबको एक साथ हम यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे हर प्रोडक्ट के 5, 6, 7 या 8 इमेजेज हैं तो हम उसके लिए दो फोल्डर बनाएंगे, एक में उस प्रोडक्ट का 4 इमेज होगा और दूसरे फोल्डर में भी उस प्रोडक्ट के 4 इमेज होंगे। तो चलिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कि कैसे हम अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के इमेजेस का यूआरएल लिंक क्रिएट करेंगे पोस्ट इमेज के थ्रू, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे postimage.org। आप यहाँ पे देख सकते हैं postimages.org, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका लिंक आ जाता है और इस पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे और अब हम आ गए हैं postimage.org के वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है, अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पे साइन अप पे जाना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और आप इजिली लॉगिन कर पाएंगे। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। ईमेल आईडी से लॉगिन करने का आपको फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी इमेज का यूआरएल लिंक क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है पोस्ट इमेज, जिसके थ्रू हम इमेजेस को यहाँ पे सेव कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी हम पोस्ट इमेज की वेबसाइट पे जाके वहां पे लॉगिन करके उन इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माई इमेजेस पे अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बैग का इमेज, जेंट्स, कुर्ती, इस तरह से मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है और सब यहाँ पे देखेंगे 70 इमेजेस हैं, इस पे 27 इमेजेस हैं, इस पे 6 इमेजेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड टाइप कर लिया और क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करता हूँ। अब जो इमेज का यूआरएल हम क्रिएट करेंगे वो एक्स वाई जेड गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। दोस्तों अब हमें इमेज का यूआरएल लिंक क्रिएट करना है तो इसके लिए मल्टीपल इमेजेस के लिए दोस्तों यहाँ पे हम चूज इमेजेस, सबसे पहले हम इमेज को चूज करेंगे जिसका यूआरएल हमें क्रिएट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब हमने 10 एसक्यू लिया हुआ है जिसका इमेज का यूआरएल लिंक हम क्रिएट करेंगे एक साथ। दोस्तों अब आपके पास दो ऑप्शन होता है इमेज का यूआरएल क्रिएट करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक CDR001, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने सबका रीनेम कर दिया है 001
बी सी डी ई एफ, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, हमने यहाँ पे वन क्यों किया। दोस्तों हमारे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसका ए काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन कर दिया। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अल्फा न्यूमेरिक में आप इसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ए बी सी डी करते हैं तो ए यहाँ पे आएगा, अगर आप वन कर रहे हैं तो वन यहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट इमेज, ये हमारा फ्रंट इमेज होगा, ये साइड इमेज होगा, इस तरह से हम एक सीक्वेंस में हमने डाल रखा है। अब इसी तरीके से आप हमारे सेकंड इमेज का देखेंगे तो ये भी करीब छह इमेज है, दो दो चार दो छह, इसका भी हमने रीनेम कर दिया है। अब जैसे कि आप देखेंगे ये CBR 004, तो मैंने यहाँ पे 0041 A B C D इस तरह से मैंने रीनेम कर दिया है। तो इस तरह से आपको अपने जो भी इमेजेस हैं उनको एक फोल्डर में डालना है और उसके बाद उसको रीनेम कर देना है। ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर आपको मल्टीपल चैनल पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास जो इमेज का URL लिंक क्रिएट करना है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन तो है कि जैसे हम इन, जैसे ये हमारा एक SKU है, इसका सबका हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसका URL लिंक क्रिएट होने लगता है। अब आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में URL लिंक क्रिएट हो गया है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे URL लिंक जो JPG, क्योंकि ये JPG में एक्सेप्ट करता है चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस पे है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक क्रिएट करने के ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के लिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिंक करना है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक पे ही हमें JPG फॉर्मेट में URL लिंक मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको, आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्वेंस वाइज आया 1 B C D E F, इस तरह से सीक्वेंस में आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है पोस्ट इमेज की। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है कि आप अगर एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर इमेज का URL लिंक एक एक कॉलम में, एक एक कॉलम में मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन बाय वन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉलम टू सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे हर कॉलम पे दो इमेजेस होंगे, जैसे ये दो इमेज एक साथ है, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है। अब अगर आप कॉलम थ्री सेलेक्ट करते हैं तो एक कॉलम पे तीन इमेज आएगा और दूसरे कॉलम पे भी तीन इमेज आएगा। अगर आप इसी तरह से चार करेंगे तो एक पे चार और एक पे दो आएगा, क्योंकि टोटल छह ही इमेज है। और चूंकि मैंने एक ही, ये सारा इमेज एक ही SKU का है, मतलब एक ही प्रोडक्ट का है, तो हम इसको यहाँ पे वन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे। अब आपको एक एक्सेल शीट बनानी है, एक्सेल शीट में आपको इस तरह से आपको सीरियल नंबर कर देना है और यहाँ पे आपको अपने सारे SKUs का कोड लिख देना है, SKU ID लिख देना है और इमेजेस 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैंने CBR 001 का URL लिंक क्रिएट किया है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये तो हो गया दोस्तों एक तरीका जिससे हम एक एक SKU का इमेज का URL लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप सारे SKU का एक साथ क्रिएट कर सकते हैं URL लिंक। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर प्रोडक्ट के छह इमेजेस हैं, लेकिन एज पर जो, क्योंकि अभी हम जो पोस्ट इमेज का वेबसाइट का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, तो वहां पे हम एक बार में चार इमेजेस ही क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक SKU का तो आप कितना भी चाहें उतना क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल, जैसे कि आपने बहुत सारे SKUs है, जैसे आपके पास 50 SKU, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 लिया हुआ है, इस तरह से अगर आपके पास 40 50 60 SKUs है या और ज्यादा है, तो उन सब का अगर एक साथ करना चाहते हैं तो आपके पास अगर हर फोल्डर में हर SKU का चार चार इमेज है तो आप इजिली इसके थ्रू कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो URL लिंक क्रिएट होगा वो एक ही फोल्डर का होगा, चाहे उसमें 50 इमेज होंगे तो वो भी एक बार में ही क्रिएट हो जाएगा URL लिंक। सारे प्रोडक्ट्स के जो इमेजेस हैं इसके एक से चार इमेज को मैंने एक फोल्डर में डाला है, इसका भी 1 to 4, इसका भी 1 to 4, इन सब के चार चार इमेजेस जो है मैंने इस फोल्डर में डाल दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये चार इमेज हो गया, ये चार इमेज हो गए और ये चार हो गया, ये चार हो गया। अब जो दो इमेजेस बच गए हैं उनको मैंने इस वाले फोल्डर में डाल दिया है सबका, देख सकते हैं आप यहाँ पे सबका दो दो इमेज मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों अब ये एक ही फोल्डर में सारे इमेज, अब हम इनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका URL लिंक क्रिएट होने लगा। दोस्तों ये नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, हालांकि नेट की स्पीड जो जनरल अभी चल रही है 4G, उससे काफी अच्छी स्पीड आती है और ये कुछ ही सेकंड, मतलब आप अगर मान इतने प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट के इमेजेस का URL लिंक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा एक मिनट मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, नहीं तो 30 सेकंड के अंदर इमेज का URL लिंक क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया और यहाँ पे सब सीक्वेंस वाइज भी आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे सारा इमेज एक सीक्वेंस में आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे CBR 001 और उसके बाद बी सी डी, फिर उसके बाद 3 का 1, 3 का B, 3 का C, 3 का D, ये बहुत ही अच्छी चीज है पोस्ट इमेज का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे प्रोडक्ट के इमेजेस का URL लिंक क्रिएट कर दिया है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे वन रॉ सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वन रॉ सिलेक्ट करते हैं तो सारे इमेज का जो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा ये एक ही रॉ में सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने हर प्रोडक्ट के चार चार इमेजेस लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार है, पांच अगर छह होता तो मैं अलग फोल्डर में दो इमेजेस जो मैंने डाला हुआ है वो न डालता और मैं एक साथ छह को सिलेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे चार का ऑप्शन है इसलिए मुझे दो को अलग फोल्डर में डालना पड़ा। मैंने चार चार इमेजेस डाले हुए हैं तो मैं एक चार का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो मतलब एक कॉलम में चार इमेजेस हैं। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे इस कॉलम में भी चार इमेजेस है, इस पे भी चार है, तो इसको हम एक साथ कॉपी करेंगे। आप यहाँ पे जाके कंट्रोल बी कर देंगे,
अब आप देख सकते हैं कि सारा फोल्डर यहाँ पे फिल हो गया है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते तो आप देख सकते हैं CBR 019 1, CBR 019 B, CBR 019 C, CBR 019 D। दोस्तों अब ये चार इमेज आएंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे चारों पे आ जाएंगे और फिफ्थ सिक्स। अभी मुझे फिफ्थ सिक्स के लिए फिर से जो हमारा दूसरा फोल्डर था यहाँ पे मैं अपलोड पे जाऊंगा और फिर से मैं चूज चूज फाइल करूंगा और यहाँ पे अब मैं आ जाऊंगा ऑल इमेजेस 5, 6। अब आप देख सकते हैं अब मैं इसको एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ओपन कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका यूआरएल लिंक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यूआरएल लिंक क्रिएट हो गया है और अब यहाँ पे देखेंगे तो सीबीआर 1 का ई और एफ, 3 का ई और एफ, 4 का ई एफ, तो इस तरह से सब सीक्वेंस में है। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे आपने देखा था लास्ट टाइम मैंने इसको 4 कॉलम सिलेक्ट किया था, क्योंकि अब हर प्रोडक्ट के दो दो इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कॉलम 2। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सबके दो दो इमेजेस आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेपीजी ये है, एक जेपीजी ये है और दूसरा जेपीजी ये है, तीसरा और चौथा ये है। अब हमें इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से और उसके बाद अब हम आ जाएंगे अपनी शीट पे और यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज है तो यहाँ पे मैं फिफ्थ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इमेजेस हमारे जो है एक ही सेल में आ रहे हैं अलग अलग, मतलब हमें इनको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करना था लेकिन ये चारों इमेज इसका एक सेल में आ रहा है और यहाँ पे दो इमेजेस हैं तो दोनों के इमेजेस हमें एक ही सेल में दिख रहे हैं। दोस्तों अब अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे जैसा कि हमें अलग अलग इमेजेस सेल में देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज डालेंगे, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हमें डालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेटा का ऑप्शन आ रहा है, डेटा के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डेलिमिटेड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद हमें जाना है स्पेसेस पे। दोस्तों यहाँ पे मैं स्पेसेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इमेज है जेपीजी के बाद आप देखेंगे ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज जेपीजी है उसके बाद स्पेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इमेजेस जेपीजी के बाद जो है स्पेस जहां जहां पे है वो यहाँ पे लाइन एक शो कर रही है, आपको स्पेस पे ही क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इमेज अलग अलग सेल में आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, अब फिफ्थ और सिक्स्थ को हमें अलग करना है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डेटा में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, यहाँ पे डेलिमिटेड नेक्स्ट करेंगे और स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसके भी दोनों इमेजेस अलग अलग। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे CBR 001 1, इसका 1 है, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी और ये आ गया ई और ये आ गया एफ। अब आप अगर 9 नंबर का अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसको 009 1, उसके बाद 009 B, सी, डी, ई, एफ, तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है। अब आप जब आप बल्क लिस्टिंग करेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे तो इन सबको एक साथ आप सिलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे अपने बल्क शीट पे और यहाँ पे आपको एक साथ पेस्ट कर देना है। अब आप जैसे ही आप यहाँ पे एक साथ सारे इमेजेस को पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 10 एसक्यूज लिया था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखते हैं यहाँ पे 10 एसक्यू आ गया। यहाँ पे अगर आप इसको कन्फर्म भी करना चाहते CBR 19 नंबर सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट में एसक्यू लिया है वो कौन सा लिया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं CBR 19 है। इस तरह से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, लाइम रोड, पेपरफ्राई किसी भी मार्केट प्लेस के लिए यूआरएल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों अब दूसरी बात आती है, अगर हम अपनी खुद की वेबसाइट, जैसे कि अगर हमारा वेबसाइट वूकॉमर्स पे बना हुआ है तो उसके लिए जो इमेज का यूआरएल लिंक होता है वो एक ही सेल में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी पेस्ट करा, यहाँ पे एक ही सेल में है, लेकिन वहां पे जब हम बल्क में शीट अपलोड करते हैं तो वहां पे जो इमेजेस होते हैं वो कंडीशन होता है वहां पे कॉमा से सेपरेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस से है तो ये तो चलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। कॉमा से सेपरेट करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि अगर आपका खुद का वेबसाइट है वहां पे भी अगर आप इस यूआरएल लिंक को यूज करके बल्क लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपनी खुद की वेबसाइट पे भी बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सारे इमेजेस को सिलेक्ट करने होंगे एक साथ और यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक रिप्लेस का बटन दिख रहा है, कंट्रोल एच कर सकते हैं आप रिप्लेस पे जाएंगे और यहाँ पे सारे इमेजेस स्पेस से है तो आप यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे स्पेस हो गया। अब रिप्लेस विद पे आपको करना है कॉमा और स्पेस। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लेस ऑल वाला जो यहाँ पे वो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं सारे इमेजेस आपके रिप्लेस हो जाते हैं एक साथ। अब आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है यहाँ पे आप देखें कॉमा आ गया, फिर स्पेस आया है, फिर यहाँ पे भी आपको कॉमा दिखेगा, फिर स्पेस है, फर्स्ट में भी कॉमा स्पेस, तो इस तरह से आप
अब ये जो URL लिंक है, आप अगर बल्क लिस्टिंग अपनी खुद की वेबसाइट पे एक साथ सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो इजिली आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी मार्केट प्लेस या अपनी खुद की वेबसाइट के लिए अगर आपको बल्क में URL लिंक क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि पोस्ट इमेज के थ्रू बल्क में प्रोडक्ट्स के इमेजेस का URL लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए शिवम का ई-कॉम ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ई-कॉमर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।